भगवान कृष्ण को कह रही हैं कि प्रभु हमने विषयों को भोगों को हमने शरीर से भी त्यागा है और हमने मन से भी उनको त्याग दिया है, इसलिए आपके चरणों तक पहुंच गई हैं। बहुत समझने की बात है ये। ये साधारण त्याग की श्रेणी में नहीं है बात। जो भजन करने वाले महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, धीरे धीरे वो साधारण त्याग से, उनको मालूम है कि तुम यदि संसार को नहीं छोड़ोगे या संसार की वस्तु को नहीं छोड़ोगे तो एक दिन वो सब तुमसे छूटती जाएंगी। मत छोड़ो, कौन कहता है? तुमने जिस दुकान को, फैक्ट्री को पकड़ रखा था, अब उस पर किसका कब्जा हो गया? अब तुमको बेटा जाने देता है? वो कहता, पिताजी घर में बैठो, प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे। जिसको हमने अपना कहा, दुकान हो, फैक्ट्री हो, अब धीरे धीरे आप न चाह के भी आपको छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जगत जो सरक रहा है, छूट रहा है। लेकिन मैं कहा करता हूं, जो तुमसे कभी छूटा नहीं, न छूट सकता है, वो केवल भगवान के सिवा और कोई है ही नहीं। न कभी छूटा हुआ था, न है और न आगे रहेगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। केवल प्रभु हैं। इसलिए संत महापुरुष लोग ऐसा प्रैक्टिस, ऐसा अभ्यास करते हैं भजन के द्वारा कि हमें कोई छोड़े उससे पहले ही हम धीरे धीरे ये त्याग कर दें तो अच्छा है ना, जिससे रोना नहीं पड़े। कोई जबरदस्ती छीने उससे अच्छा पहले ही उसको नहीं छोड़ोगे तो छीन लेंगे। तो कहने का अर्थ यह है, गोपियां कहती हैं कि हमने साधारण त्याग नहीं किया प्रभु, हमने असाधारण त्याग किया है। इसलिए गोपियां यहां बोल रही हैं, संतज्ज सर्व विषयान। तो गोपियों ने सबसे पहले, गोपियों के साथ प्रभु ने रास किया है, और रास जब हो रहा था तो गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया। प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान गोपियों के अभिमान को देख करके गोपियों के बीच से श्री राधा रानी को, क्योंकि नृत्य हो रहा था तो राधा रानी को लेकर के भगवान अंतर्धान हो गए थे। जब गोपियों ने अपने बीच में भगवान को नहीं देखा, राधा रानी को नहीं देखा, तो गोपियां लता पता वृक्ष पशुओं से पक्षियों से भगवान को पूछने लगी थी। बन बन में कभी तुलसी से पूछती हैं, अरे तुलसी गोविंद चरण प्रिय है, तू तो गोविंद को बहुत प्रिय है, तेरे बिना तो गोविंद भोग भी नहीं लगाते। जब तक तुलसी न डाली जाए भोग के अंदर तब तक, क्योंकि भगवान को जब भोग लगाओ तो तुलसी पत्र उसमें जरूर डालना। देखो, आपको मालूम है, हम भी आपको जब कथा सुनाते हैं, कथा माने भगवान को हम कथा के माध्यम से, भागवत के माध्यम से भोग लगा रहे हैं, और देखो कथा रूपी भोग में भी मैं बीच बीच में तुलसी पत्र डालता हूं, भोग लगाता हूं ना, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान भोग नहीं लगाते। ये तुलसी पत्र क्या है? बोले बीच बीच में मैं आपको तुलसी दास जी की, रामचरितमानस की जो चौपाइयां भी मैं आपके बीच में गाता हूं, वो तुलसी पत्र भी डालता रहता हूं। वो तुलसी की जो चौपाइयां हैं, वो तुलसी पत्र भागवत की कथा में डाल करके भगवान को भोग लगा रहा। क्योंकि आप देखते हो, जब दीक्षा होती है गुरुदेव के द्वारा तो पहले तुलसी की गले में माला क्यों?
इस शरीर को भी हम भगवान को समर्पण कर रहे हैं, प्रभु की शरणागत हो रहे हैं। तो तुलसी का अर्थ यह है कि इसलिए वैष्णव लोग अपने गले में तुलसी का कंठी माला को धारण करते हैं कि प्रभु को हमने अपने आप को समर्पित माने भोग लगा दिया, हम आज से प्रभु के हो गए, इसलिए तुलसी भी गले में डालते हैं। क्योंकि गोविंद चरण प्रिय, तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए वैष्णवों को तुलसी कंठ में धारण जरूर करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित, आज गोपियां जब बन बन में ढूंढ रही थी तो श्री राधा रानी ने गोपियों की दशा को देखा और देख करके गोपियों को कहा, भगवान को कहा कि प्यारे आप प्रकट हो जाइए, आपके वियोग से गोपियां कितना दुखित हैं ये। तो भगवान ने कहा कि राधे मैं अभी थोड़ी देर में प्रकट हो जाऊंगा। तो राधा रानी ने कहा कि अब मैं बहुत थक गई हूँ और आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं। तो भगवान ने श्री राधा रानी को एक मिट्टी का चबूतरा दिखाया और कहा कि आप इस पर ऊपर चढ़ जाएं और चढ़कर के मेरे कंधे पर बैठ जाएं। देखो कितनी मीठी लीला कर रहे हैं। तो राधा रानी को मान हुआ, गोपियों को अभिमान हुआ था, अब यहां राधा रानी को मान हो रहा है। तो राधा रानी उस मिट्टी के चबूतरे पर जाकर के जब खड़ी हुई और अपना चरण उठाया श्री राधे ने कंधे पर आरूढ़ होने के लिए, तो नीचे की ओर जब भगवान झुके थे ना तो भगवान अंतर्धान हो गए थे। तो जब प्रभु अंतर्धान हुए और अपने सन्मुख श्री राधा रानी ने भगवान का जब दर्शन नहीं किया तो एकदम राधा रानी के मुख से निकला जो भागवत में सुखदेव जी बोल रहे हैं कि हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। हे नाथ हे रमण, ऐसा कहकर के श्री राधा रानी मूर्छा अवस्था में जब पड़ी थी तो पीछे से गोपियां भगवान कृष्ण का अन्वेषण करती ही आ रही हैं। जब गोपियों ने मार्ग में श्री राधा रानी को देखा तो दौड़ करके गई और अपने हाथ का सहारा राधा रानी को दिया और लेकर के श्री राधा रानी को यमुना जी के तट पर आई। मैंने कल आपको निवेदन किया था कि यमुना का तट का अर्थ है भक्ति का तट, और भक्ति का संबंध हमारे हार्ट से है, हृदय से है। ज्ञान मस्तक प्रधान होता है और भक्ति हृदय प्रधान होती है, प्रेम हृदय प्रधान होता है। तो गोपियां उस भक्ति के तट पर बैठ करके भगवान को पुकारने लगी, जिसे कहते हैं गोपी गीत। अब आपको याद हो मैं कुछ श्लोक गा रहा हूं, आप लोग जरूर गाइए जिनको याद हो, लेकिन जिनको याद ना हो, क्योंकि ये गोपी गीत एक ऐसा गीत है भागवत में पंच गीतों में से कि जो इस गोपी गीत का डेली पाठ करेंगे, मेरा विश्वास है और भागवत जी कहती हैं, इसलिए मेरी मुझे हृदय में पूर्ण विश्वास है कि एक दिन उस जीव को साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन होगा जो इसका पाठ करेंगे। बहुत बहुत गहरा रहस्यात्मक। देखिए गोपी गीत का एक नाम और है, आप लोग जानते, गोपी गीत तो आप सब जानते ही हैं। गोपी गीत का एक नाम भागवत में है हरि गीत। कौन सा गीत? हरि कथोत गीतम, ऐसा लिखा है भागवत में। गोपी गीत को हरि गीत भी कहते हैं।
तो आइए ये हरि गीत, ये गोपी गीत हम थोड़ा गाएं। जिनको याद हो वो गाइए, जिनको ना हो वो हाथ जोड़ करके भगवान का उतना देर ध्यान जरूर करिए। मेरा निवेदन है आपसे प्रभु, ये बड़ा विशिष्ट पाठ है, विशिष्ट गीत है, आइए। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि। जयति तेधिकं सारथी तो
से Oh.